टेक तक में आप सबका हार्दिक स्वागत। जो आज हम बात करने वाले हैं वो है इंडियन फोन्स और चाइनीज फोन्स की। ये जो चाइनीज ब्रांड्स आगे बढ़े हैं इंडियन ब्रांड से, वो हुआ कैसे, इसकी हम चर्चा आज करेंगे और इसके कुछ कारण देखेंगे और समझेंगे कि क्यों चाइनीज फोन्स और कैसे चाइनीज फोन्स इंडियन फोन्स से बाजी मार गए। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि कम दामों में चाइना जिस तरीके के फीचर्स अपने फोन्स में प्रोवाइड कर पा रहा है, ये जो चाइनीज ब्रांड्स हैं जो अपने फोन्स में जिस तरीके के फीचर्स दे पा रही है कम दामों में, इंडियन ब्रांड्स कहीं पे भी उन दामों को और इन फीचर्स को नहीं मैच कर पा रहे। चाइना की मार्केट सिर्फ बेस्ड है स्मार्टफोन्स पे और इंडियन मार्केट से 4 गुना बड़ी है। तो जब इनकी प्रोडक्शन मास स्केल में होती है इन ब्रांड्स की चाइना में, ऑटोमेटिकली इनके प्राइसेस कम तो हो जाते हैं। और जो फीचर्स ये लोग दे पा रहे हैं वो हैं प्रीमियम फोन्स के फीचर्स, जो लगभग जो फीचर्स आपको 30,000 के फोन में मिलेंगे वो चाइनीज ब्रांड्स 10,000 से 12,000 के फोन्स में भी दे पाते हैं। चाइनीज फोन्स बेचने में जो इंडियन डीलर्स हैं उनको बेटर रेट्स मिलते हैं, उनके मार्जिन बेटर मिलते हैं। ऑटोमेटिकली इस कारण से डीलर्स भी प्रेफर करते हैं कि हम चाइनीज फोन्स को बेचें। दाम के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि चाइनीज फोन्स छा गए इंडियन मार्केट में, वो है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब इंडिया में दो चीजें हैं जो पूरे देश को कर लेती हैं जब भी ये टीवी पे होते हैं, क्या है, क्रिकेट और दूसरा बॉलीवुड। और ओप्पो और वीवो ने दोनों ने एक क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों को टारगेट किया है। तो आज के दिन में जो क्रिकेट, हमारी जो क्रिकेट टीम की जो जर्सीज हैं या जो उनकी यूनिफॉर्म्स है, उसमें बड़ा बड़ा नाम आपको ओप्पो का नजर आएगा या वीवो का नजर आएगा। और इसके अलावा जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको भी ओप्पो ने अपने लिए अपने एडवर्टाइजिंग में, अपने एडवर्टाइजमेंट्स में उन्होंने इन्वॉल्व किया है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, रिसर्च और डेवलपमेंट चाइनीज ब्रांड्स करते हैं अपने फोन्स पे, इंडियन ब्रांड उसके आसपास भी नहीं है। अगर हम गणित देखें इसका तो उसमें क्या साफ पता लगता है कि जो इंडियन ब्रांड्स थे, माइक्रोमैक्स था, इंटेक्स, कार्बन, इनका जहाँ पे इंडियन मार्केट में शेयर था ओवर 40%, वो आज के दिन में सिर्फ 15% रह गया है, 15 से रादर नीचे ही है। और चाइनीज ब्रांड्स जो एक समय में 15% से भी कम एक हिस्सा रखते थे इंडियन मार्केट में, वो आज के दिन में 50% से ज़्यादा शेयर डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में मोबाइल्स के लिए। तो अब आने वाले समय में इंडियन ब्रांड्स कैसे अपना वजूद फिर से बना सकते हैं इंडियन मार्केट में, सबसे पहले तो R&D को, अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को इंडियन ब्रांड्स को डेवलप करना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फीचर फोन्स का बहुत बड़ा एक स्थान है इंडियन मार्केट में, और चाइनीज ब्रांड्स जो हैं वो फीचर फोन्स में स्पेशलाइज नहीं करते, क्योंकि चाइना की मार्केट फुल्ली स्मार्टफोन्स पे कन्वर्ट हो चुकी है। अगर फीचर फोन्स को और बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए तो इंडियन ब्रांड्स उस मार्केट को पूरे तरीके से टेक ओवर कर सकते हैं, बिकॉज चाइना उस मार्केट में प्रवेश नहीं करने वाली। इंडियंस को अगर पता लगे कि हमारे इंडियन ब्रांड्स बेहतर है चाइनीज ब्रांड्स से, आई डोंट थिंक कोई भी इंडियन चाइनीज ब्रांड्स के लिए फिर जाएगा। पर देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है।